नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ शिखा गुप्ता। आर्यन खान केस मामले में एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। जहां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई जोन के पूर्व डायरेक्टर के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। इसमें समीर वानखेड़े के खिलाफ अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को नहीं फंसाने के बदले में 25 करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया है। एफआईआर की कॉपी के मुताबिक समीर वानखेड़े के इशारे पर गोसावी ने आर्यन खान मामले में 25 करोड़ की मांग की थी। इस रकम के बदले भरोसा दिया गया था कि आर्यन खान को ड्रग्स मामले में नहीं फंसाया जाएगा। एफआईआर की कॉपी के अनुसार समीर वानखेड़े ने डील के लिए पैसों के मामले में गोसावी को पूरी छूट दे रखी थी। गोसावी ने 18 करोड़ में डील पक्की की थी। यही नहीं, गोसावी ने 50 लाख रुपए पेशगी के तौर पर भी लिए थे। एफआईआर के अनुसार जांच में समीर वानखेड़े ने अपनी विदेश यात्रा के बारे में सही जानकारी नहीं दी थी। उन्होंने अपनी महंगी घड़ी कपड़ों के बारे में भी सही नहीं बताया था। समीर वानखेड़े के पास आय से अधिक संपत्ति की बात प्राथमिकी में कही गई है। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे पंजाब केसरी.com।